सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। देखिए आज मेरी मम्मी मिक्स वेजिटेबल एग फ्राई बना रही है। अभी इसमें कुछ सब्जियां हैं। मम्मी कौन कौन सी सब्जी है इसमें? शिमला मिर्च, मटर, मूली, हरा मिर्च, प्याज, पत्ता गोभी। बस अपने चॉइस के ऊपर और भी वेजिटेबल्स, पालक है। इसमें तो बहुत सारी सब्जी है, मैंने कुछ ही बोला। अब इसमें थोड़ी देर में एग डलेगा, फिर हमारा भुजिया तैयार हो जाएगा। जिन जिन जो जो बच्चे सब्जियां नहीं खाते हैं उनको सब्जी खिलाने का बहुत अच्छा तरीका निकाली है मम्मी अपना। हम इसमें से कुछ भी नहीं खाते, अब सब चीज खाएंगे। वही तो, इतना टेस्टी लग रहा है अभी देखने में। जब इसमें अंडा डलाएगा तो आई गजब वाला लगेगा ना फीलिंग मम्मी। क्या टेस्टी होगा। ये देखिए आज मैं पहली बार बैठ के बना रही हूँ। मैं बना रही नहीं रही हूँ, बस मैं चला रही हूँ। जो जो बच्चे नहीं खाते हैं सब्जी उनको खिलाने का तो बहुत ही अच्छा तरीका ही है। सभी पेरेंट्स अपने अपने बच्चों को खिलाइए अच्छे से। ठंडा में गरम गरम चीज खाना चाहिए मम्मी। yes. ठंडा में क्या क्या हमें गरम गरम खाना चाहिए बताओ। लाइक गाजर का हलवा, मेथी पराठे, आलू पराठे, लिट्टी एंड बगिया। तो ऐसे बहुत से आइटम हैं जो ठंड में खाने से इंसान को बहुत ही ज़्यादा फायदा भी होता है। हमें कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी बहुत पसंद है इसलिए मैं कॉफ़ी बोल रही हूँ। चाय भी अच्छा होता है और बच्चों के लिए तो दूध सबसे बेस्ट होता है। अरे अब हम लोग इसमें, आप लोग जितना भी अंडा डालना चाहे डाल सकते हैं, मैं तो बस इसमें 5-6 डालूंगी। हम लोग इसमें बहुत सारे मसाला डाल के इसको फ्राई करते हैं। मरीच, हल्दी, मिर्च, नमक, आप तो अपने स्वाद अनुसार आपको जितना रखना है उतना रखिए। ये देखिए अब हम लोग इसको मिक्स करेंगे। मेरे लिए तो ये बहुत ही बड़ा पल है क्योंकि मैं खुद से बना रही हूँ, कैसा बनेगा पता नहीं, देखते हैं। मम्मी ऐसे ही ना बनेगा आगे। यस, उसको मिक्स कीजिए। फ्राई करना है इसको। इसमें और कुछ नहीं ना डालेगा? अगर आपके पास धनिया पत्ता है तो वो भी डाल सकते हैं, बट अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हम लोग नहीं डाल सकते। ओ कितना टेस्टी लग रहा है खाने में। मम्मी रोटी बन गया? हाँ बन गया। जल्दी तो खा लेते, पहले ये भू जाएगा तभी तो खाएंगे। पेरेंट्स अपने बच्चों को ये खिला सकते हैं, पोषण भी मिलेगा इससे और मज़ा भी आएगा इसको खाने में। सभी बच्चे अच्छे से खाएंगे इसे। यार बहुत टेस्टी है। लल्ला सब मिस कर रहा होगा ना ये मम्मी। यस yes. ये देखिए फ्रेंड्स कितना टेस्टी दिख रहा है। मैं एक चीज़ बताना भूल ही गई थी, इसमें तो आदी और लहसुन भी डलाता है और टमाटर। मैं इसमें टमाटर नहीं डलाया। खैर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा है, बहुत टेस्टी है।
हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड्स।